बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं बिशारत अफजल भट्ट, डिप्टी सीईओ सरेआम न्यूज। और अज सच सरेआम प्रोग्राम दे विच साडे मेहमान खसूसी ने अकीम पीर मुहम्मद अफजाल खामोश साहब खलीफा मजार आस्थान आलिया शंगरीला शरीफ, इन्हां कोलों इन्हां दे बारे मालूमात लैने, इन्हां दीआं मिठियां मिठियां गल्लां सुनने और इन्हां दी जिंदगी दे बारे इन्हां कोलों पुछांगे। और मैं ज्यादा अपने खुद अल्फाज नहीं दोहरावांगा, इन्हां कोलों पुछने आ। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात। कैसे मिजाज ने किबला पीर साहब जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खरीयत नाल हां ते तुहाडा दिल दी थगराइयां तो शुक्रिया अदा भी करना है कि तुसी मैनूं अपने चैनल ते बुलाया है और इंट्रोड्यूस करवा रहे हो और आवाम नूं एंटरटेनमेंट करते हो। काफ़ी पब्लिक सर्विस ने तुहाडियां, मैं काफ़ी देखता रहना है ते दोबारा तुहाडा शुक्रिया अदा करना है, अच्छी सर्विस है तुहाडी भी। माशाल्लाह किबला पीर साहब, तुहाडी शख्सियत किसी तारफ दे मुताज ते नहीं है। तुसी माशाल्लाह समाजी बहुत सारे समाजी काम ने जड़े करते हो लोगों के और काफ़ी अरसे तो करते आ रहे हो, एक मत भी तो एक ना है तो माशाल्लाह तुसी एक बा किरदार खलीफा मजाज हो। तो एक एक पहलू के उत्ते तुहाडे कोल सिर्फ सवाल करांगे और सारे तो पहले सानू जरा एक मत बारे दसो कि जनाब ये तुसा जरा ना एक मत जनाब न किस तरह तुसी मिली है और माशाल्लाह ये कि ज्यादा एक्सपीरियंस जी? हिकमत बस शुरू तो बचपन तो शौक से, मैं अपना अपना बंदे का कुछ शौक जोक हों, मैं इस फील्ड का जरा लगाओ से और जोड़ा काम मजबूरिया ना किया जाए वह कुछ मखसूस अरसे वास्ते हों, और जोड़ा लगाओ ना किया जाए काम जिदा शौक जोक हो तो वह फिर देर पर रहा, बल्कि वह एक माशरे के एक मकाम पैदा करता है। ये उत्ते मैं तुम्हें एक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी सुनाना है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि तुम किसी भी फील्ड के अगर मुंसलिक होंगे हो तो वह इस तरह का रवो कि वह फील्ड तुहाडा तारफ बन जाए, उन्होंने छोड़ो ना। बाद इस तरह होंगे कि बंदा अज काम होर करता है, कल होर करता है, परसों होर करता है, वह किसी काम का नहीं रहा है। तो तुम अगर एक काम मुस्तकिल मिजाज ना करते रहते हो तो एक वक्त आता है काम चाहे थोड़ा हो ज्यादा हो काम तुहाडा तारफ बन जाता है। तो एक मत मैं शुरू तो ही जो मैं हौस संभाली है तो मैं लगाओ से तो बस इस तरह ही जिंदगी अस चलते गए। फिर थोड़े जो दोस्त एक ने मशवरा दिता कि प्रॉपर एक कोर्स होंगे वो फिर फजल तबिया कॉलेज खाने तो असं कोर्स किया, तो अल्लाह ने फिर ये मैं इस तरह ही तरक्की दी, मैं इस तरह सर्च की, इस दिल लगी ना काम किया। इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट मिराद है जरा जिले नायब सदर भी हम माशाल्लाह। हकीम साहब पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस साडी जमात दा नाम है तो दा मैं जिले नायब सदर हां। माशाल्लाह हकीम साहब, तुसी केड़ी चीज दे एक्सपर्ट हो इस टाइम, केड़ी चीज दे स्पेशलिस्ट हो, यानी कि हिकमत दे विच कोई मेदा जिगर मसाना जोड़ां दीआं दर्दां मुख्तलिफ बीमारियां लोकां नूं ओ हुंदियां ने और हर हकीम दे विच इक खूबी हुंदी है कि ओ किसे ना किसे बीमारी दा स्पेशलिस्ट हुंदा है, ते माशाल्लाह तुसी इस चीज दे विच केड़ी हो, किस चीज नूं ज्यादा हो पसंद करते हो या किसी चीज का ज्यादा लोग तुम्हारे को मुस्तफीद होते हैं? तुसु मंतशा व तुजिलु मंतशा, जिस तरह आज का मफहूम है अल्लाह तआला की तरफ इज्जत होती है, अल्लाह तआला की तरफ जिल्लत होती है, लेकिन इस तरह शफा के भी मामलात कुछ अल्लाह की तरफ होते हैं। तबीब की सिर्फ ये दयानतदारी होती है, अगर तबीब दयानतदारी काम करे, इंसानी हमदर्दी ना करे, और खिदमत खलक मद्देनजर रखता हो काम करे तो इंशाल्लाह अल्लाह तआला शफा देता है। तो बार रहेगी कि ये ज्यादा एक्सपीरियंस किस हवाले न, मेरा तो ज्यादातर मैं जेडे बांझपन के मराज होंगे मेल फीमेल के उन्होंने मेरी वर्किंग है, जॉइंट्स की जी होंगी है जॉइंट पेन जो होंगे ने जोड़ों का दर्द जिन्होंने कहते हो तुम, उस तो बाद शाटिका पेन और शुगर, इन्होंने मैं काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और अल्लाह तला ने काफ़ी इज्जत फजाई मेरी की इस काम के शुफा अल्लाह तआला दिंदा है, लेकिन है कि मैं जिसनूं दुआ दिंदा हां अल्लाह तआला मैनूं मायूस नहीं करदा। माशाल्लाह किबला हकीम साहब, अल्लाह तआला तुहानूं मजीद तरक्कियां देवे और मजीद तुसीं लोकां दी खिदमत करो। दूसरे हवाले नाल आने आ न्याय दे अदब दे नाल, मैं जुबान मेरी शायद कोई गलत अल्फाज ना मुंह च निकल जाए, मैं दीन दे मसले च बहुत ज्यादा संभल के अपनी जुबान इस्तेमाल करना क्योंकि बा अदब बा मुराद और बेअदब बेमुराद हुंदा है। अदब दे नाल
कि जनाब नूं खिलाफत कित्थों मिली है और इस दे बारे सानूं थोड़ा जिहा तुसीं दस्सो। जी बिल्कुल, जिस कैटागरी नाल तुसीं वाबस्ता हो बतौरे सहाफी, ये माशरे दे विच तुहानूं सवाल करने वास्ते इख्तियार हुंदे ने, हर मौजू ते तुसीं गुफ्तगू कर सकदे हो, लेकिन अदब नूं भी मद्देनजर रखना हुंदा है। ते अच्छा सवाल तुसीं कीता है और मैनूं ये दसने दे विच झिझक भी नहीं पई है। माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह जिस आस्थाने ते मैनूं फैज होया है वो सिर्फ पाकिस्तानी बड़े बल्कि बड़े सगीर पाको हिंद दा एक बड़ा ही वड्डा आस्थान है। ये नहीं कि अज तू मतलब को तू फैज जारी है, ये पाकिस्तान बनने तो पहला दा फैज जारी है। शिकरीला शरीफ तू मुल्ला कली हैदर साहब और अज कल उन्होंने नस्ल के बच्चों ने सजादा नशीन जो मरकजी ने पीर सैयद तुबारक हुसैन शाह साहब उन्होंने तो मैं फैज मिलया, उन्होंने अपने दस्ते मुबारक ना मेरी दस्तारबंदी की थी और उन्होंने अपनी खिलाफत मिली जी। माशाल्लाह किबला पीर साहब, ये तुहाडा सिलसिला जिहड़ा है ये कित्थे जांदा पिछे, जिस तरह नक्शबंदियां दा सिलसिला हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ते जांदा है, या इस तरह जनाब दा सिलसिला कित्थे जा के रुकदा है? बेसिकली ते जिहड़े ने तारीफी हुंदा है कि थोड़ा जिहा चंद जिहड़े मशहूर शख्सियत हो जांदियां ने, जिहड़ी एक नाम पैदा कर जांदियां शख्सियतां, उन्हां ते शजरा जिहड़ा मिलदा। बेसिकली जिन्ने भी शजरे हैन ने, वो चिश्ती होवे, निज़ामी होवे, कोई भी होवे, सोरबर्दी होवे, इन्हां सारिआं दा सिलसिला जिहड़ा ओह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होरां ते ही जा के मुकदा है, क्योंकि ओह ही वलायत दे असल जिहड़े ने मालिक ने। ते वैसे जिहड़ा साडा सिलसिला है ओह चिश्ती निज़ामी है। माशाल्लाह किबला पीर साहब, मैं काफ़ी अरसे तो इस चीज़ से तुहानूं जानना ही हाँ और बहुत सारे लोग जानते हैं कि तुसां एक समाजी रहनुमा हो और बहुत ज़्यादा तुसीं समाजी और वेलफेयर के काम करते रहते हो हर टाइम, और बाकी वेलफेयर सोसाइटी भी जनाब ने खुद बनाई, असी भी उदा हिस्सा रहे और बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोगों ने उस तो फायदा हासिल किया, और समाजी और सियासी रहनुमा तो पहले भी काफ़ी सारे हो, लोग भी तुहाडे नाल बहुत मुहब्बत करते हैं। तो मैं थोड़े तो सवाल यह करना चाहना कि ये माशाल्लाह कद सियासत आने बारे भी सोचा है कि ताकि लोगों की खिदमत बेहतर अंदाज की जा सके, और जिस तरह हज़रत खातम हुसैन मौलाना खातम हुसैन रिज़वी साहब कहते हैं दीन में तख्त ते लियाना है, तो क्या तो असी भी कदे सोचा है कि असी कोई अहुदा लईए या आके इस फील्ड दे विच सियासत दे विच लोगों की खिदमत बेहतर अंदाज कर सकने ता कि तुहाडे कोल अहुदे होणगे ते तुसां बेहतर लोगों की खिदमत कर सकोगे, इस हवाले नाल कोई जनाब ने कदे सोचा? जी मैं इस बारे में कभी सोचा तो नहीं है, लेकिन कुछ जिंदगी के जिन्हें कहते हादसात कहते हैं या वाकियात कहते हैं या कुछ लम्हात ऐसे कहते हैं कि जो सोचने से मजबूर कर देंगे ने या वो तवज्जो दिलाते हैं उधर, मैं कभी सोचा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का कुछ ऐसा फजल है मेरे से, वो शायद मेरे वालदैन दी दुआवां ने कि मुख्तलिफ तनजीमात मैं बड़े अच्छे तरीके काम करता रहा। साड़ी एक डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तंजीम नैशनल कमीशन फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोआर्डिनेटर रहा, उस तो बाद जिस तरह की तुम्हें पता है अल बाकी वेलफेयर सोसायटी का भी बानी मैं सी, मैं बनाई सी, तुसी उहदे नाल हो ते वह भी बनाई चला रहे हैं, इस तरह पंजाब पीस कौंसल का तहसील का सदर भी रहा और पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस का जिले सदर हाँ, मुख्तलिफ जी एन जी ओज उन्होंने मैं काम कर रहा और इस वक्त मेरी अपनी एक बरादरी की बहुत ही वड्डी तंजीम है जिदे विच साडा तकरीबन 7000 के लगभग घर रजिस्टर्ड हो गया, 7000 घर नूं अगर 4 वोटां नाल भी तुसीं मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज़्यादा वोट बैंक बनता है। तो उसे हवाले नाल कुछ सियासी पार्टियां ने जिहड़े इस मेरे सिस्टम नूं जानदियां ने और मुख्तलिफ हवाले नाल वो मेरे नाल लिंक रखदियां ने, राबता रखदियां ने। बाकी है कि मैं इस मौजू पर कभी सोचा नहीं, लेकिन चंद दिन हो मेरे ना फलाह पार्टिया रबता किया है, नैशनल पार्टी ने भी रबता किया है, एक दो पार्टी होने भी किया है, जबकि तरीके लाभायक की तरफ तो डायरैक्टली मैं एम पी ए की भी ऑफर हुई है कि तुम एम पी ए की टिकट इलेक्शन लड़ो साड़ी तरफों, और नैशनल पार्टी ने कहा कि साड़ी तरफों तुम एम एन ए की तरफ लड़ो और जिला गुजरात बल्कि अभी तुम्हें देने अगू भी इंतहाब जो करने जिस तरह भी हो तो अपनी मर्जी के मुताबिक करो, तुम चुनाव जो कैंडीडेटा का करना हो अपना करो, लेकिन है कि मैं तो कोई डिसीजन नहीं अजे तक लिया और जे अगर लैना पाया तो मैं जे थोड़े जे मुखलस साथी ने मेरे मुखलस दोस्त ने मेरे उन्होंने मुशावरत होगी तो फिर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा कि असं की करना। माशाल्लाह जी
सियासत दे विच जनाब नूं आना चाहीदा है, और अगर जनाब कोल इतना ज्यादा वोट बैंक है तो मैं समझना भी ये तुहाडा हक है कि तुसीं इस नूं हक नूं इस्तेमाल करो और सामने आवो, लोगों की हिम्मत करो। असीं चंद खानदानां दे विच अजारादारी बना के बैठ गए हैं, और मैं कहना कि हर बंदे का हक है कि वह सामने आवे, तो जनाब का हक है। ऐसी पार्टी नाल मेरा तलक नहीं है, तो मैं तुहानूं एक मशवरा देना कि एक प्लेटफॉर्म चुनो और उस प्लेटफॉर्म के उत्ते आके लोगों को फायदा दो। बहुत शुक्रिया जनाब, तुहाडा मेज़बान बिशारत असद भट्ट।